5000 इन्वेस्ट कीजिए और 5 लाख कमाए। बधाई हो आपको, आप जीत गए हैं 25 लाख। लालची फोन कॉल और मैसेज, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठगी का तेजी से फैल रहा माया जाल, साइबर ठगों से बेगुनाह हो रहे हलाल। मोबाइल फोन पर आने वाले लालची मैसेज या फोन कॉल से सावधान हो जाएं, कहीं लुट ना जाएं आप। जमा पूंजी भी हो जाएगी बर्बाद और आप हो जाएंगे कंगाल, क्योंकि आपके आसपास ही फैला है साइबर ठगों का मायावी जाल। कभी इन्वेस्ट करने के नाम पर, तो कभी रकम को दोगुना करने के नाम पर, तो कभी लाखों कमाने के लिए ट्रेडिंग का ड्रामा, तो कभी ऑनलाइन शॉपिंग। इन सब के जरिए पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के शिकार। यानी साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में लखनऊ के एक डॉक्टर को साइबर ठग ने 42 लाख रुपए का चूना लगा दिया। वो अलग बात है कि एसटीएफ की टीम ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा नोएडा से भी 2 करोड़ की ठगी का एक मामला सामने आता है। हापुड़ में भी एक महिला को ठग अपना शिकार बना लेता है। ये तो महज कुछ मामले हैं जो ताज़े हैं। इससे पहले भी लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं और लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हाईटेक साइबर ठगों के सामने पुलिस बेबस सी नज़र आती है। वजह यह है कि पुलिस साइबर ठगों के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन ठग हर बार एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से सावधान रहें। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं तो साइबर क्रिमिनल जितने भी होते हैं या साइबर फ्रॉस्टर्स की अगर हम लोग बात करें, तो उनके ठगी करने का तरीका आज के में बहुत ही साधारण हो चुका है। ये लोग जनरली लोगों को लालच देकर ठगने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आ रहे हैं, ये बताते हैं कि हम आपको कॉलिंग ट्रेड दे देंगे कि आप इतने इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, इस शेयर में आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर ये लोग बोलते हैं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरह की ये लोग चीज़ें कराते हैं और टाइम टू टाइम इनका जो ठगी करने का तरीका होता है वो भी अपग्रेड होता है। जैसे कि आज के डेट में ये लोग आपको कॉल करके बोलेंगे, एक या दो बार आपको छोटा प्रॉफिट करा देते हैं जिससे आपको लगने लगता है कि इनके ऊपर विश्वास बन जाए एक या दो बार। फिर ये लोग आपको क्या करते हैं, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की बोलते हैं कि आप 1 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए, उतने अमाउंट को इन्वेस्ट कर दीजिए, और फिर आपके साथ में ये लोग ठगी करते हैं। यदि अगर हम लोग बचने की बात करें तो बचने के लिए सिंपल से तरीके हैं, जो भी सेबी या इससे ऑथराइज रहते हैं वहीं पे ट्रांजेक्शन कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से कीजिए। इसके अलावा जो भी थर्ड पार्टी जो ऑफर दिखते हैं उन पर भरोसा मत कीजिए। कोई भी जो नंबर्स मिलते हैं आपको सर्विस सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सर्च करें। आइए आपको समझाते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर ठग कैसे लोगों को अलग अलग डिवाइस, ऐप और सॉफ्टवेयर के जरिए अपना निशाना बना लेते हैं। मैलवेयर, ये एक ऐसा छोटा वायरस है जो किसी भी प्रोग्राम या कोड को संदर्भित करता है जिसे आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैलवेयर वायरस ट्रोजन या रैंसमवेयर का रूप ले सकता है। फिशिंग ईमेल या संक्रमित वेबसाइटों के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर मैलवेयर डाउनलोड किया जा सकता है। फिशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग इन अपराधियों द्वारा आपको संवेदनशील जानकारी जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर यह सामाजिक सुरक्षा नंबर देने के लिए होता है। फिशिंग ईमेल किसी बैंक, सरकारी एजेंसी या प्रसिद्ध कंपनी के वैध ईमेल की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पहचान की चोरी तब होती है जब कोई आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराता है और उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए करता है। डिनायल ऑफ सर्विस, ये हमले तब होते हैं जब कोई साइबर क्रिमिनल किसी नेटवर्क या वेबसाइट को ट्रैफिक से भर देता है जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुर्गम हो जाता है। इस प्रकार के हमले का इस्तेमाल अक्सर जबरन वसूली के रूप में किया जाता है, जिसमें हमलावर हमले को रोकने के लिए भुगतान की मांग करता है। साइबर स्टॉकिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने या धमकी देने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और वह यह अवांछित संदेश, ईमेल भेजने, किसी के बारे में गलत जानकारी पोस्ट करने या नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के रूप में कर सकता है। हालांकि साइबर क्राइम से बचने के लिए पहले तो ये है कि आप खुद से ही सजग और किसी तरह के लालची झांसे में ना आए। जबकि साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अपने प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए जटिल पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 शब्दों का होना चाहिए और इसमें अपर केस और लोअर केस अक्षरों के साथ साथ संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास नवीनतम सुरक्षा पैच है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। संदिग्ध ईमेल से बचें।
अज्ञात प्रेषकों के ईमेल या अटैचमेंट न खोलें और उन ईमेल से सावधान रहें जो आपसे लिंक पर क्लिक करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं। सोशल मीडिया पर ओवर शेयर न करें। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में आप सतर्क रहें, क्योंकि साइबर अपराधी इस जानकारी का इस्तेमाल आपको घोटालों और फिशिंग हमलों के लिए कर सकते हैं। सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करने से ज़्यादा बचें, क्योंकि ये अक्सर असुरक्षित होते हैं और आसानी से हैक किए जा सकते हैं। इसके बजाय अपने इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने और अपनी ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल करें। अपने डेटा का बैकअप लें। अपनी महत्वपूर्ण फाइलों और डेटा का नियमित रूप से किसी बाहरी हार्ड ड्राइव या क्लाउड आधारित स्टोरेज सेवा पर बैकअप लें, ताकि साइबर हमले या डेटा हानि के मामले में आप उन्हें आसानी से वापस लेकर हासिल कर सकें। वैसे तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए IT एक्ट 2000 को प्रभावी बनाया गया है और IT एक्ट की अलग अलग धाराओं में सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि साइबर ठग खुद को अपडेट कर लेते हैं, जिसके चलते साइबर अपराधों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और साइबर ठगों के मायावी जाल में बेगुनाह लोग हलाल हो रहे हैं।